और खबर हरियाणा में, जहां आज से होगी डायल 112 की शुरुआत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे 112 की शुरुआत। पूरे हरियाणा के लिए पंचकुला से शुरू होगा प्रोजेक्ट। अब 100 नंबर की जगह 112 की करेगा काम। प्रोजेक्ट को लेकर पूरी डिटेल्स सभी तरीके से तैयार कर ली गई हैं। घटना के बाद 15 मिनट में पहुंचेगी पुलिस। अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डायल 112 की शुरुआत आज होगी हरियाणा में। आज से होगी डायल 112 की शुरुआत पूरे हरियाणा में। अब 100 नंबर की जगह 112 नंबर करेगा काम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे 112 की शुरुआत। प्रोजेक्ट को लेकर पूरे डिटेल्स भी की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। घटना के बाद 15 मिनट में, महज 15 मिनट में पुलिस पहुंचेगी। आपको बता दें डायल 112 की शुरुआत की जा रही है आज। मुख्यमंत्री करेंगे इसकी शुरुआत। अहम जानकारी, डायल 112 की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री। अब 100 की बजाय 112 की करेंगे शुरुआत। तेल महंगा होने से आम आदमी को झटका। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज फिर बढ़ाए दाम। अहम जानकारी, आज पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। तेल महंगा होने से आम आदमी को झटका। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज फिर बढ़ाए दाम। आज पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। और पेट्रोल और डीजल की दामों में हरियाणा में भी इजाफा हुआ है। आपको बता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे 112 की शुरुआत। पूरे हरियाणा के लिए पंचकुला से शुरू होगा प्रोजेक्ट। अहम जानकारी, डायल 112 की शुरुआत आज। अब 100 नंबर की बजाय 112 की करेंगे शुरुआत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन परमार जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, तकरीबन 11 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो आज डायल 112 परियोजना की शुरुआत जो है, एक पायलट का अगर बात करें, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये हरियाणा सरकार का, खासतौर पर गृह मंत्री अनिल विज का। और ऐसी परिस्थितियों में डायल 112 का लॉन्च जो है वो आज मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है। इस काफिले में जो है तकरीबन 500-600 गाड़ियां जो है वो रहेंगी, जो कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो है डिप्लॉयड की जाएंगी। पहले एक व्यवस्था रहा करती थी, अलग अलग नंबर जो है वो रहा करते थे तमाम चीजों के लिए। चाहे अगर आपको पुलिस इमरजेंसी हो तो आपको 100 नंबर डायल करना पड़ता था, फायर ब्रिगेड के लिए भी आपको अलग नंबर होता था, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती थी तो उसके लिए अलग नंबर होता था। लेकिन तमाम सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे लाकर जो है कहीं ना कहीं परियोजना को आज सिरे चढ़ाया जाएगा। 112 नंबर जो है अब तमाम सेवाओं के लिए जो है आपातकालीन सेवाओं के लिए जो है उसका इस्तेमाल होगा। एक बड़ा सेटअप जो है वो किया गया है जी विपिन। लेकिन एक एक सवाल इसमें जरूर उठता है कि जब 100 नंबर की बात होती है तब 100 नंबर पर भी जब लोग इमरजेंसी में कॉल करते थे तभी भी उनको खासी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता था, टाइम से पुलिस प्रशासन ना पहुंचना या तमाम चीजें देखना। तो ऐसे में अब क्योंकि सारी चीजें एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे लाके खड़ी कर दी है, तो ऐसे में क्या न सिर्फ वो लोग जो 100 नंबर पर डायल करते थे बल्कि जो एम्बुलेंस और तमाम जगहों पर फायर ब्रिगेड के लिए तमाम चीजों के लिए जो कॉल किया करते थे उन सभी को एक इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा? विपिन से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें हरियाणा में आज डायल 112 की शुरुआत होगी। पूरे हरियाणा में 112 की शुरुआत होगी।